विकास में जिसका विकास होना है उसका जो मूल स्वरूप है वो तो कायम रहना चाहिए ना। शेर बकरी के साथ खाना खाए तो शेर अहिंसक बन गया, ये प्राकृतिक नहीं है। जिसकी ये धाक जंगल में नहीं है उस शेर को शेर क्या कहना। विकास की बात सब कहते हैं लेकिन विकास भारती कहने के बाद विकास की कल्पना स्पष्ट हो जाती है। भारत के तरीके से विकास, और इसको सोचकर फिर हम उसका उसकी योजना बनाते हैं। जिसे भारत के तरीके से विकास है यानी एक साथ समग्र विकास है। विकास में जिसका विकास होना है उसका जो मूल स्वरूप है वो तो कायम रहना चाहिए ना। मूल उसका स्वभाव है, उसको अवसर मिलना चाहिए। कभी कभी सर्कस आती है देखने के लिए, हम जाते हैं शहरों में, आती है तंबू लगाकर, उसमें उनके पास जानवर होते हैं, उनके खेल कराते हैं। तो उसमें हाथी फुटबॉल खेलता है, बंदर साइकिल चलाते हैं, शेर और बकरी एक साथ खाना खाते हैं। हम पैसा देकर टिकट निकालकर उसको देखने जाते हैं। लेकिन कोई हमसे कहे कि हाथी का तो बड़ा विकास हो गया, बंदर का तो बड़ा विकास, उनका विकास ये नहीं है। ये मनुष्य फुटबॉल खेलना सीख गया, अच्छी तरह फुटबॉल गया खेला, अपनी टीम को जिताया, देश के लिए मेडल लाया, मनुष्य का विकास है। लेकिन बंदर साइकिल चलाए, हाथी फुटबॉल खेले, उनका विकास नहीं। वो तो जंगल के पशु है, उनका एक स्वभाव है जो प्रकृति ने उनको दिया है, उनकी वो प्रकृति है यानी स्वभाव है, उसमें वो आगे जाएंगे तो उनका विकास है। शेर बकरी के साथ खाना खाए तो शेर अहिंसक बन गया, ये प्राकृतिक नहीं है। शेर तो वही है जिसकी दहाड़ सुनकर जंगल के सारे पशु आदमियों सहित अपने अपने घर में दुबक कर छुप जाते। जिसकी ये धाक जंगल में नहीं है उस शेर को शेर क्या कहना। तो इसलिए अपनी प्रकृति, हम भारत के लोग हैं, हमारी एक प्रकृति है, पूरे भारत में एक है।